ने अपन को सीधा सट बोल दिया है, सीधा सट ये बोल दिया है क्या वास्तव में जो आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं उसका जो महत्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर मैं वागड़ी मास बोल अपने पौर यहाँ भराई के तक लगना पेगा था ही क्या था हाँ भाजी कह जो कटला पौधा लगा दिया था अब एक खाली बोल जा देखें। अब ये चीज अपने हद मतलब कितना आगे बताओ। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे प्रतिदिन हम घूम रहे हैं तो ये पौधे गए कहाँ? कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम जल जंगल और जमीन अपने पहला वाला मतलब कभी पहला वाला कभी मंत्र करता तभी बोलता सादा सूर्य जमी आसमान 9 लाख तारा अंधेर गर्डन पवन देव यानी कि ये सब नामक ही ना दिखाई बता रहा तुम सब ये अपने इसके बिना जीवन चलता ही नहीं है। हाँ पेड़ पौधे नहीं होगे तो अपने असल वाला नहीं मरे पानी नहीं है अपना निजीविका जीव के निजीविका ये सब अपने जीवना बल्ले आवश्यक चीजें हैं। अपने संरक्षण करवा हर उसके सीधा सा आदिवासी जो दिवस मनाया जाना उसका उद्देश्य यही है कि प्रकृति का संरक्षण करना। इस प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बाद में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। आज अपने ये बेटा हाँ अपने अटली धूप में भी बीही है कहाँ अरणित जगह अपने पास जाएंगे बाजार में बीजे अटली वाला बीही नहीं है कहाँ अतरे गर्मी लगे इन्हें वजह हो अपने यहाँ पर रोकड़े हैं अटले तो अपने को अपने घर पर भी और अपने अपने गांव में भी बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाने हैं। साथ ही साथ इन्होंने स्कूल की जो समस्या रखी है वो मैं कहना चाहूंगा आप तो सभी जो बच्चे और कुछ छोटे मोटे नागरिक गण आए हैं लेकिन बहुत ही बड़े बड़े जो भी नागरिक जो जागरूक हैं वो आकर के विद्यालय में आकर के देखें और इसको सुधारेंगे तभी जाकर के ये जो समस्या है उसका समाधान होगा।